ये फिर महल छुड़वा देती है आदमी के, ये दरवेश बनाती है उसको, ये बाहर निकालती है उसको वहां से हक की तलाश से होती है। या आप हमें उजबो कहें फारक्स है, एमए टाइम वेस्ट कर रहा है, फेम का भूखा है, शोहरत का भूखा है, और जो है ना ये नाम बनाने के भूखे हैं। वाह जी वाह, इन्हें क्या पता कि जितनी टेंशनें नाम बनने के बाद होती हैं गुमनामी में इतनी नहीं होती, ज्यादा टेंशनें होती हैं जब इंसान मशहूर होता है। एक जमाना था हम खुल के लेक्चर दे दिया करते थे, अब हमारी एक एक बात देख रहे होंगे लोग, बैठे होंगे नुक्ताचीनी करने के लिए, जी एक गलती निकले शेख आतिफ की और वहीं काटी लगा दें इसके ऊपर। तो ये भाईजान ये तो आग का सफर है, जैसे हमारे एक शेख मसूद आलम हाफिज मसूद आलम साहब कहते थे कि आग का सफर है ये, इसमें तो कोयले हैं इस रस्ते के अंदर, तुम्हारे खानी हो तो अपने ख्वाब पे चलने के लिए जो इब्तिदा होती है ना पता ही कुछ नहीं होता, और आप जो छोड़ रहे होते हैं ना वो गम, और जहां आप जा रहे होते हैं उसमें जो ये जो ग्रे एरिया होता है ब्लैक एंड व्हाइट से निकलने, वल्लाही इसका दर्द जो है ना सिर्फ वो जानता है जिसने जिंदगी में फैसले किए, इसने रिस्क लिया लाइफ के अंदर, जिसने अपने मन की आवाज सुनी। वो कहते हैं ना अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। तो लोग तो अपने नहीं हो सके, लोगों के क्या होंगे, वो तो अपने साथ झूठ बोलते आए आज तक। तो यही तो एक वक्त था ना, हमसे कोई पूछते आते भाई क्या मसला था आपको शेख, क्या हुआ क्या था, तो मेरा एक जुमला इस पर मैं जरूर कहूंगा, मैं झूठ नहीं बोल सकता था अपने आप से। मैं जिधर भी जिंदगी में था और जितने भी लोग रहे होंगे, मैं तो कौम का एक कारकुन नौकर पीछे सफ में खड़ा हुआ धक्के दे रहा हूँ, ये तो इस कौम के बड़े बड़े लोग जो बैठे हैं आप उनसे पूछे ना, वो यही कहेंगे यार हम झूठ नहीं बोल सकते थे अपने आप से। आई वॉज मेंट टू डू समथिंग, अल्लाह ने बनाया था मुझे कि मेरे अंदर वो पोटेंशियल था कि मैं आगे लेके जाता अपनी जिंदगी को, अपनी सोच को, अपने हदफ को, मैं उस पर रह नहीं सकता था। लेकिन मैं जब एक दूसरी साइड भी देखता हूँ कि बहुत बड़ी कौम ने झूठ बोला, बोल रहे हैं, और जब नबी अंबिया क्यों चुपते थे लोगों को, जब वो क्योंकि वो कहते थे हमने इतनी मेहनत करके झूठ की इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोली, तुम इन्होंने आके जो सारा भांडा फोड़ दिया आगे से, इन्होंने आके उन सच्चाइयों के ऊपर से जो है वो उन झूठों पे झूठ पे से पर्दे हटा दिए इन्होंने, इसलिए हम हक याद दिलाते थे इंसान को अपनी जिंदगी, वो आसन तकवीम याद दिलाते थे लोगों को, लगा खलक ना इंसान तो अल्लाह ने बनाया किस लिए था, और तू असफला साफिलीन सुमर बदना असफला साफिलीन, तू चला कहां पे गया। लेकिन अब क्योंकि हमने आपने सौदा तो कर लिया है ना अपनी रूह बेचने का, तो जब हमने शैतान को अपनी रूह बेच दी होती है और गुलामी एक्सेप्ट कर ली होती है और सिस्टम के ऐसे ही करना होता है और माशरा सोशल कंफॉर्मिटी ये चीजें देखनी होती है, तो भाई एक माहौल बनाया जाता है कि नाम भी नहीं लिया जाए उस चीज का जो इंसान में वो इंकलाब खड़ा करता है। इसलिए वो जो दकिया नूस नहीं था यमन का था, सीरत के अंदर कभी आप पढ़ेंगे कि जिसने ये क्या कहते हैं इसको, ये अल्लाह आपका भला करे, जो अबरहा था ना जो हाथी लेके आया था मारने के लिए, तो अबरहा जो था नहीं यहाँ अबरहा से पहले जो यहाँ पर था दकिया नूस या साहबे बुरूज का जो वाक्य है, उसने अल्लाह का नाम लेने पर बैन लगा दिया था। तो वो एक जादू कहानी है, वो भी मुस्नद अहमद की है कि वो बच्चा जाता था जादूगर पे, उसने कहा था जादू सीखने जा, तो बीच में एक राहिब आता था तो उससे सीखता था, बड़ी लंबी कहानी सुनाऊंगा किस्सा कभी, तो जालिकल फौजुल कबीर सूरह बुरूज की सियाक के अंदर वो किस्सा आता है कि उसने अल्लाह का नाम ही बैन कर दिया था, कभी नाम ही ना ले। इसी तरीके से लोग ना हमारी जिंदगियों के अंदर ना कुछ टर्म्स और कुछ बातों को ना बैन कर देते हैं कि भाई ये बात भी नहीं करो, ये बात छेड़ेंगे ना तो वो बोतल में से इंकलाब का जिन निकल आएगा भाई, वो बोतल के अंदर से ना वो इतना बड़े धुआं करता हुआ आ जाएगा जिंदगी के अंदर चेंज लाने के लिए, तो वो बोतल बंद ही रहे तो अच्छा है। तो इसलिए लोग ज्यादा लोगों को ये चीजें चुभ जाती हैं कि यार हमने इतनी मुश्किल से अपने आप को कॉस्मेटिकली बनाया और लोगों के मुताबिक बनाया कि जी हम ब्रांड्स और पैसा और दौलत और यो और शो और फो और ये ठा ठू ठा करके, और ये हजरत ने आके जो है ना सक्सेस और जिंदगी की बात ही कुछ और कर दी। इसने तो जिंदगी को फमन जोसिया ने नारी बात जन्ना फकत फास से कहीं ताबीर दे दी कि जो आग से बच गया और जन्नत में से बच गया और जन्नत में चला गया वो कामयाब है, या वमा खलक तो जिन्ना वलिनसल्ला लिया बुदून कह दिया, या कह दिया उलाई का लहदम में रब्बे उलाई का मुफले, इसने तो डेफिनेशन ही बदल दी। हमने तो इतनी मुश्किल से सक्सेस और सेटिस्फेक्शन को इस पैसे दौलत और राहत और नाम और पैसा और इसके साथ रोका है। अच्छा अगर चाहिए चीजें दुनिया के अंदर अगर सही डायमेंशन और आइडियोलॉजी से की जाए तो ये गलत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तारे के दुनिया हूं, मैं दुनिया को मानता हूं और अच्छा खासे लेक्चर उस पर ही हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूं कि दीन भी स्पिरिचुअल सोच के साथ दुनिया कैसे जीनी होती है, स्पिरिचुअल सोच के साथ दुनिया काटना भी रहमानियत हमारे दीन का। तो बहरहाल वो चले गए और वो वहां पहुंच गए। स्टोरी आगे बढ़ाते हैं, लगता है सवाल जवाब नहीं होंगे लेकिन कहानी सुनाते हैं, कहानी के अंदर ही आज आपको बड़े सबक मिलेंगे। वो कहते हैं जब मैं वहां पहुंचा, कहां जा करके मैं जैसे भी पहुंचा, जिन तकलीफों से पहुंचा और वो पहुंचे, हमने तो अपने घर के अंदर हमने अपनी जिंदगियों से खड़े होके वो जो उनकी जिंदगी में कनीसा आया था ना जो उन्होंने आवाज सुनी, तो वो भी नहीं सुनना चाहते। हजरत ने यहां से शाम तक का सफर कर लिया। वो कहते हैं जब मैं वहां पहुंचा ना तो मैंने वहां से पूछा लोगों से कि भाई यहां पर सबसे आलिम फाजिल आदमी कौन है, यहां का मतलब सबसे ज्यादा लर्नेड आदमी कौन सा। उन्होंने कहा अल अस्कफू फिल कनीसा, यहां का बिशप होता है, बिशप कनीसे का, उसके पास आप चले जाएं, वो बड़ा लर्नेड आदमी है, चर्च उसी के कंट्रोल के अंदर। तो वो कहते हैं मैं उसके पास गया, मैंने उसको जाके कहानी सुनाई, भाई मैंने इस तरीके से वहां पे हक सुना, थोड़ा बहुत सुना, मेरे दिल में आया मैं इल्म हासिल करूं, मैं सफर करूं, मैं आपके पास यहां अपना सब कुछ छोड़ के आया हूं, सारी कश्तियां जला के आया हूं, मुझे आप पढ़ा दें। अच्छा इधर एक नुकता और भी रखिएगा, इल्म और मंजिल बगैर हिजरत और सफर के मिलती नहीं है। और हमारे एक उस्ताद थे, वो हमें कहते थे कि बेटा दुनिया के अजीम तरीन पैर, दुनिया के अजीम तरीन कदम वो हैं जो दीन का इल्म हासिल करने के लिए निकले, दुनिया के अजीम तरीन कदम वो हैं जो घर से निकले तो दीन हासिल करने के। और हदीस में आता है कि जब अल्लाह का दीन सफर करने के लिए तालिबे इल्म जा रहा होता है ना तो फरिश्ते पैरों के नीचे पर बिछा देते हैं, और अगर ये इस राह में मर जाए ना तो ये शहीद है इस टाइम। तो जितने भी बच्चे तालिबे इल्म आलिम बन रहे होंगे ना मदारिस में, तो उनको मेरी पहली टिप ये है कि बेटा इस 8 साल के प्रोसेस के अंदर अगर तू फौत हो गया ना तो अल्लाह के पास ही शहीद होकर जाएगा। और दुनिया की सबसे टॉप नॉच जेंट्री होती है फरिश्तों की, जो
उसे प्रोटेक्ट कर रही होती है उस टाइम। दूसरी बात है इल्म, एक और नुक्ता, इल्म बगैर सफर के नहीं आता। तीसरा नुक्ता, सफर मुहद्दिसीन की सुन्नत है, सफर कर करके उन्होंने हदीसें जमा की। तो जितने भी उलमा गुजरे हैं, पहले जमाने में ये यूनिवर्सिटी कॉलेजेस का कॉन्सेप्ट नहीं होता था, पहले जमाने में एक शेख, एक आलिम, एक मेंटर जो होता था ना, वो ही यूनिवर्सिटी होता। लोग सफर करके उसके पास जाते, उसकी सोबत में रहते, उनका लोटा उठाते, उनके पैरों, उनके पैर दबाते, सर दबाते, मेहनत करते और वहां से फन हदीस सीख के आते। फिर सफर करके जाते वहां से, कहीं नेसापुर जाते, कहीं वहां चले जाते, कहीं कुर्तुबा जाते, वहां जाके उसे तफसीर का फन सीखते, तफसीर का फन वहां सीखते, फिर सफर करते, फिर सफरों की मार खाते, धूल मिट्टी सीखते, कहीं उसूल फिका सीखने चले जाते, प्रिंसिपल ऑफ जुरिसप्रूडेंस, वहां से निकलते, कहीं पे उसूल हदीस सीखने चले जाते, फिर कहीं और जाते, कहते जी इनसे फलां जगह पे जाके इनसे मैंने कुरान एक बार मैं यहां दोहरा लेता हूं, इनके पास सुना है, इनके पास किरात का बड़ा इल्म है, सबाशरा जो होती है आपके साथ किरात। इस तरह लोग सफर करते थे, उनके उलमा उस टाइम पर यूनिवर्सिटियां कंसिडर किया थी। अब वो दौर डिफरेंट हो गया, अब वो महद आ गए, इंस्टीट्यूशन आ गए, यूनिवर्सिटियों के सारी दुनिया के फूल जो है वो एक ही इदारे में मिल जाते हैं। कितनी कन्वीनियंस है, लेकिन फिर भी जो लज्जत सफर करके इल्म हासिल करने में ना, वो किसी भी चीज में नहीं हो सकती, क्योंकि वो आपको एहसास दिला रही होती है ये सुन्नत है, तवील अरसे की सुन्नत है सफर करके इल्म हासिल करना, अहले इल्म के पास जाके उनके कदमों में बैठना, उनकी खिदमत करना, उनके सर दबाना। पर बहरहाल सलमान फारसी पहुंचे बंदे के पास, उसने उनको रख लिया। वो कहते हैं काना रजुल सुइन, काना फकाना रजुल सुइन, वो बड़ा ही बुरा आदमी था, अच्छा आलिम दीन नहीं था वो। या मरहुम बेसदका, वो लोगों को सदके की जो ना लेक्चर देता था वहां पर, और वयुरगिबहुम फीहा, और तरगीब दिलाता हमको कि चैरिटी करें, चैरिटी करें, सदका करें, सदका खैरात करें, अल्लाह की राह में सदका खैरात। फायदा जमा इलैहि मिनहा अशिया कना लहू लिनफसिही, तो जब उसके पास पैसे जमा होते ना, लोग उसको सदका देते, चंदा देते अल्लाह के नाम के ऊपर, जैसे लोग हमें भी अगर कभी दें और देखें, क्योंकि लोग दीनदारों को दे देते हैं अल्लाह के नाम के, इतने हमारे में खैर है कि लोग अल्लाह वाले को दे देते हैं। वो क्या किया उसने, कना लहू, उसने अपने लिए जमा करना शुरू कर दिया, और वो मसाकीन को नहीं देता था, बलम युअतिहिल मसाकीना, वो मसाकीन को अता नहीं करता था। हत्ता जमा सबा क़िलालिम मिन ज़हबिन व वरक, उसने 7 कंटेनर या 7 संदूकचे जो थे ना वो तैयार कर लिए उसके सोने के जमाओ के। बड़ा था, बुरा आदमी था वो, इस लिहाज से कैरेक्टर में थोड़ी कमजोरी। अब यहाँ दो बड़े नुकते हैं, हम भी जब किसी इल्म वाले से जुड़ते हैं या दीनदार से जुड़ते हैं या किसी भी जिंदगी में मेंटर से जुड़ते हैं, अपनी कंपनी में हो, दीन से ताल्लुक हो या ना हो, या अपनी कॉर्पोरेट में भी लेके आ जाते हो, किसी कॉर्पोरेट में चले जाते हैं, किसी स्कूल में चले जाते हैं, किसी कॉलेज में जाते हैं, किसी इदारे में जाते हैं, या मुल्क में कहीं जाते हैं, ठीक है, मुल्क के अंदर या फौज में भी कहीं जाते हैं, किसी भी इदारे से जाते हैं, ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनका मिजाज आपसे नहीं मिल रहा होता है, जिनकी सोच नहीं मिल रही होती, या वो थोड़े बहुत कैरेक्टर के लूज भी होते हैं, तो लोग क्या करते हैं, फौरन थोड़ी सी इनकन्वीनियंस देखी ना अगले के साथ जाके फौरन कट गए उससे और भाग जाते हैं, और फिर उसको अपना मिशन भी छोड़ देते हैं और फिर उसको भी मिलाइन करना शुरू कर देते हैं आगे से। सलमान फारसी रजी अल्लाह जब इतनी बड़ी खामी देखी ना अगले के अंदर, तो सलमान फारसी रजी अल्लाह भागे नहीं वहां से। ये दलील है इस बात की कि आपने सबर किया उस अहले इल्म की गलती के साथ और वहां बैठ के अपना इल्म मुकम्मल किया जितना भी वहां पर था, बर्दाश्त की, सबर की, जब्त रखा अपने अंदर। ये दलील है कि इंसान को अगर उस्ताद अच्छा ना भी मिले ना तो उसके साथ वक्त काटना चाहिए। अब यहां पर मैं थोड़ी सी शख्सियत परस्ती को हिट करूंगा। अब लोग हमें कहते हैं कि जी शेख आतिफ का लेक्चर सुनना है, जी शेख आतिफ को सुनना है या फला किसी और को सुनना है। तो मैं कहता हूं यार सारे फन जो है वो हमें ही आके कामिल हो जाएंगे। ये शख्सियत परस्ती अच्छी चीज नहीं, अकीदत अच्छी चीज है, लोग प्यार करते हैं जिनसे लोगों का दिल लग जाता है, लोग प्यार करते हैं, लेकिन जो दूसरे शगिर्द हैं मेरे भी, क्या वो स्पीकर्स नहीं है, क्या वो अल्लाह के लिए बात नहीं करते, क्या वो लोगों को अपने मसाइल का हल नहीं पेश कर रहे, क्या हमने भी उन्हें वही सिखाई हुई ना, जो हमारे असाबजा भी हैं फिर हमारे शगिर्द भी हैं। इस तरह बात सुनने का जज्बा होना चाहिए। मैं अपने दिल की बात करता हूँ, बहुत लोगों से सुना, बहुत लोगों से पढ़ा, बहुत महफिलों में गया, लेकिन मैंने बात सुनने की कोशिश की है, बंदे को देखने की कोशिश नहीं की, बात लोग क्या करें। और बात है कुछ लोगों से बात सुनते सुनते ऐसी मोहब्बत हो जाती है, वाकई उन लोगों में कुछ क्लास होती है, ऐसा कमाल होता है कि आदमी जुड़ जाता है उनके साथ, ऐसी अकीदत बन जाती है। लेकिन असल उसूल मुसलमानों में ये होना चाहिए कि बात हक की कहां से आ रही है, ये नहीं देखा जाए कहां से आ रही है, ये देखनी चाहिए क्या आ रही है। दिस शुड बी द एटीट्यूड ऑफ द मुस्लिम्स, कि वो बात सुनने वाले होने चाहिए। जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुँचाने वाला बनाए। मजीद इस्लाही बयानात के लिए हमारे YouTube चैनल शेख आतिफ रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकअल्लाहु खैर।